तो गाइस मेरे चैनल पर जो एनालिटिक है वहाँ पर मैंने देखा जितना सर मेरा ऑडियंस है सारे ऑडियंस में इस टाइप का वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो गाइस इस टाइप का जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है वो आप लोग कैसे बना सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक देखते रहो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो कोई भी टाइम वेस्ट करिए चलिए वीडियो को शुरू करें। तो गाइस इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कैपकट और एक है क्विक वीपीएन। तो उसको आप लोग डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप लोग क्विक वीपीएन को आप लोग कनेक्ट करो। तो यहाँ पर जो एरो है यहाँ पर आप लोग क्लिक करो और आपका वीपीएन कनेक्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आपका जो कैपकट एप्लीकेशन है उसको आप लोग ओपन करो। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर जो फोटो है यहाँ पर आप लोग क्लिक करो और यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रीन फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो लेयर है इसको आप लोग बड़ा कर लो। यहाँ पर जो ओवरले दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करो और यहाँ पर ऐड ओवरले पर क्लिक करो। उसके बाद आप लोग जिस वीडियो को ग्रीन स्क्रीन बनाना चाहते हो उस वीडियो को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करो। तो मैंने ये वाला एक वीडियो को सिलेक्ट किया। तो ये वाला जो वीडियो है इसको आप लोग ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो ये वाला वीडियो को आप लोग थोड़ा सा जूम करो और इसको यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर लो, यहाँ पर ऐड करो। तो यहाँ पर जो रिमूव बैकग्राउंड है इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर जो परसेंट दिख रहा है तुम्हारा 99% हो चुका है प्रोसेसिंग। इसके बाद आपका जो वीडियो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपका वीडियो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आप लोग चल रहा है इस टाइप का आपका वीडियो बन जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर जो ये वाला लेयर है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर जो इमेज का लेयर है इसको डिलीट कर दो यहाँ से। तो आपका जो वीडियो है वो फाइनली एडिटिंग हो चुका है। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जो 720p है इसको आप लोग 1080p कर दो और यहाँ पर जो ये वाला बटन है यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दो तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा।